इतिहादुल मुस्लिमीन ए हिंद ट्रस्ट आयोजित इज्तेमाई निकाह पांचवी समोसादी योजाई। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी महंगाई और हमने ईसा फाउंडेशन और इतिहादुल मुस्लिमीन ने यह तय किया कि भाई महंगाई भी है, बच्चियां जो है गरीब हैं, शादी नहीं कर पाती, अपने घर नहीं पहुंच सकती। इसके लिए ईसा फाउंडेशन ने इतिहादुल मुस्लिमीन के साथ मिल करके कच्छ में भुज में जो है ये काम किया, 180 समूह लगन जो किया है ताकि क्या है बच्चियाँ अपने घर पहुँच जाएँ। उम्र हो जाती है और माँ बाप बेचारे परेशान होते हैं, कोई लोन लेता है, कोई ब्याज पे पैसे लेता है, कोई अपने ईसा फाउंडेशन ने जहेज का सारा सामान दे करके और ये भुज के अंदर इतिहादुल मुस्लिमीन के साथ जो निकाह का प्रोग्राम किया है उसका मकसद ये है कि बच्चियाँ अपने अपने घर पहुँच जाएँ और लोग फजूल खर्ची से बच जाएँ और जो पैसे इनके माँ बाप के पास हैं वो अपने बच्चों और बच्चियों की तालीम पर खर्च करें ताकि कौम तालीम हासिल करके आगे बढ़े। हमारी जो सोच है वो कौम के ऊपर एक बड़ा बोझ है और हमारी कौम काफ़ी गरीब है और ये समूह शादी के अंदर कौम का बहुत बड़ी रकम, हमारी मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी रकम बचती है और वो पैसा बचा के हम एजुकेशन के काम में लगाएं, हम अपने व्यापार के काम में लगाएं और समूह शादी के अंदर कम से कम खर्च में समूह शादी होती है और एक वालिद को अपनी जिम्मेदारी में से वो फ्री होता है और सुन्नत तरीका है और इज्तिमाई निकाह है, इसमें किसकी दुआ है हमें भी पता नहीं है कि किसकी दुआ से कौन कितना फूलेगा वो कुछ पता नहीं है। इसमें गैप से मदद मिलती है और अल्लाह के तरफ से ये समझ आती है कि ये हमारी कौम को संभालना हो, फजूल खर्ची से बचाना हो तो हमें इस तरीके का आयोजन करते रहना चाहिए जिससे कौम का काफ़ी बड़ा पैसा बचता है। हमारी संस्थानों नाम इतिहादुल मुस्लिमीन ए हिंद, जे देशभर में समाज सेवाना दरेक धर्म अने नात जातना भेदभाव वगर बिन सांप्रदायिक धोरणे करी रही है अने खास करीने एमनो आघात छे कच्छथी थयेलो छे अने हाले गुजरात अने राजस्थाननी अंदर ते पोतानी सामाजिक सेवाओं से विस्तारी रही है। खूब सरस आप सौ ए आपनी पोतानी नजरे जोयो छे, खरेखर आटली मोटा कार्यक्रमनी अंदर कोईपण प्रकारनी अव्यवस्था न थई अने सौ लोगोनो खूब साथ सहकार मळ्यो अने सौ लोगोना साथ सहकारथी खूब सफलतापूर्वक आ अमे समूह शादीनो आयोजन ने सफलतापूर्वक पार करी शक्या छे। अमे जेवो समाजमांथी के आम लोकोमांथी रिबेक मळे छे, जे सूचनो मळे छे एना ऊपर अमारी संस्था ध्यान आपीने काम करे छे। खास करीने अमे आरोग्य अने शिक्षण ऊपर खूब ज प्राधान्य आप्युं छे, तेमज समाज सुधारणा ऊपर पण अमे सारुं एवुं काम करी रह्या छीए, एना माटे सेमिनारनुं आयोजन करीए छीए। खास करीने अमे हाले बेरोजगार युवानो माटे अने युवतीओ माटे स्वनिर्भर तालीम केन्द्रों शुरू कर्या छे, जे कच्छभरनी अंदर सारो एवो रिस्पोन्स मळ्यो छे। अमे लगभग 1200 जेवा तालीमार्थीओने तालीम आपी चूक्या छीए, तेमज समाज सुधारणा ऊपर खास अमारो मकसद छे। खास करीने एक तमने अमारी संस्थानुं विशेष काम कहूँ तो कही शकाय के दारू बंदी अने जे ऊँची व्याजखोरी छे एना ऊपर संस्थाए वारंवार सरकारनुं ध्यान दोर्युं, एना ऊपरथी सरकार द्वारा दरेक जिल्लानी अंदर सौ प्रथम लोक दरबार भरवामां आव्या अने त्यारबाद स्वयंभू पूरा गुजरातभरमां जे ऊँची व्याजखोरीनो धंधो चलावी रह्या होता एना ऊपर FIRO કરવામાં આવી અને અત્યારે પણ સરકાર ખૂબ જ મજબૂતી એના ઉપર કામ કરી રહી છે। તો આવા જે સમાજને જે દૂષણો છે એને દૂર કરવામાં જ્યારે અમારી સંસ્થા કારણભૂત બને છે ત્યારે અમને ખૂબ જ આનંદ થાય છે।